मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने आयुक्त सभागार में धान खरीद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र समय से खुलें और किसी भी क्रय केंद्र से किसान वापस न जाएं। मंडलायुक्त ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को धान क्रय किया जाए। धान क्रय में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित क्रय केंद्र प्रभारी पर FIR दर्ज कराया जाएगा। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि किसानों को उनके उपज का सही कीमत मिले और किसी भी दशा में उनके धान का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न मिले। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि हर क्रय केंद्र पर एक एक नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं तथा जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण क्रय केंद्रों की स्थिति की निगरानी करें और 72 घंटे के अंदर किसानों का धान के मूल्य का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए और लक्ष्य के सापेक्ष 100% खरीद सुनिश्चित किया जाए। बैठक में CEO प्रभारी RFC संजीव रंजन, चारों जनपदों के जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिलों के, चारों जिलों के वित्तीय आगमों है तथा एक KDC और एक्चुअली सर जो पहले धान खरीदते जो समय होता था उससे इस बार 15 दिन पहले शुरुआत कर दी गई और इस ये जो रीजन है जो हम लोग का ईस्टर्न यूपी का रीजन है इसमें धान पश्चिम का अपेक्षा देर से कटता है तो हमारे पास जो धान आता है वो रिलेटिवली मतलब कि कभी धान की खरीद है जो सर थोड़ी धीमी है यूपी की अपेक्षा, लेकिन सर हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जितने भी क्रय केंद्र जो तैयार किए हैं वो अगले एक सप्ताह में सब एक्टिवेट हो जाए, कहीं से किसानों को लौटने की स्थिति ना आए। इसमें अभी तक इन लोगों ने जो खरीद किया वो 760 क्रय का किया है। उसी तरह सर महाराजगंज का है, महाराजगंज जो हम लोग का मेजर जो राइट का एरिया है सबसे ज्यादा अचीवमेंट हम लोग का यही होता है, इसका 2,10,000 मीट्रिक टन था जिसके सापेक्ष इन्होंने 993 मीट्रिक टन किया है। हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो 2,496.70 मीट्रिक टन किया है। इससे मतलब अभी तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको सर हम लोग 10 नवंबर के आसपास हम लोग पीक पे आएंगे, उस समय हम लोग को सबसे ज्यादा उस समय हम लोग सतर्क रहने की जरूरत है। इतनी सुविधाएं की बात थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ये सब इन लोगों ने चेक कर लिया है और